बमन रानी और फोटोग्राफी का रिश्ता काफी पुराना है। बमन को चाहने वाले ये जानते हैं कि एक्टर बनने से पहले वो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर थे। इन्हीं फोटोग्राफी के दिनों को याद करने बमन पहुंचे एक फोटोग्राफी एग्जीबिशन में। चलिए आपको भी ले चलते हैं वहाँ। अपने वक्त के एस फोटोग्राफर रह चुके हैं, इसलिए इस हुनर में उनकी समझ भी काफी गहरी है। लेकिन इस एग्जीबिशन में आकर उनको अपनी स्किल्स पर थोड़ा डाउट होता दिखने लगा। मैं फोटोग्राफर था, 12 साल मैंने प्रोफेशनल फोटोग्राफी का काम किया, फिर मैं एक्टर बना तो फोटोग्राफी मेरे हाथ में से, कैमरा ऐसा सोचो गिरी गया मेरे हाथ में से। अब आपको कैमरा को उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर से कभी कभी कर लेता हूँ, लेकिन ये लेवल का मेरे हाथ में से छूट गया। ये जो लेवल है, ये जो कह रहे कि न्यू कमर्स है, फर्स्ट बैच है और इन लोग का ये काम है, तो मैं तो मान ही नहीं सकता एक्चुअली, बट इट इज़ ऑफ अ वेरी वेरी हाई स्टैंडर्ड। तो ये खुशी की बात है कि हिंदुस्तान में आज इक्विपमेंट बहुत आसानी से मिलता है, फैसिलिटीज़ अच्छे है, ऐसा इंस्टीट्यूट है, हमारे ज़माने में नहीं था। लेकिन वो सब कहने के बावजूद मैं ये कहूँगा कि इन बच्चों ने बहुत कमाल का काम किया। तो क्या फिल्मों में आकर बमन का फोटोग्राफी के लिए प्यार कम हो गया है, या फिर हम उन्हें फ्यूचर में भी कभी फोटोग्राफी करते देखेंगे? करेंगे, जरूर करेंगे भाई, आप मौका दीजिए, आप इस तरफ आइए, मैं कैमरा उठा के करता हूँ। एक मजे की बात ये है कि इस इंस्टीट्यूशन का इनॉग्रेशन करने भी बमन ही गए थे, और आज लगभग 10 महीने बाद इन स्टूडेंट्स की ग्रोथ और टैलेंट देखकर वो काफी खुश हैं। आई फील वेरी प्राउड कि इतने 10 महीने के अंदर या 9 महीने के अंदर ये लेवल की फोटोग्राफी हमें दिखाई दे रही है। आई एम वेरी वेरी प्राउड। विश कि हम भी एक बार फिर बमन की आर्ट ऑफ फोटोग्राफी से रूबरू हो पाए। तब तक के लिए हम उनकी एक्टिंग देखकर ही खुश हो लेते हैं।